और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सबरवाल की आरटीआई के जवाब में आई जानकारी के अनुसार भारत दूसरे देशों को बहुत सस्ते में पेट्रोल डीजल बेच रहा है। मुंबई में सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल 86 रुपए के आसपास प्रति लीटर बेच रही है, लेकिन यही तेल मॉरिशियस और मलेशिया को इसकी आधी से भी कम कीमत पर बेचा जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता रोहित सबरवाल को ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से मिली है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार भारत मॉरिशियस को 36.30 प्रति लीटर पेट्रोल और 37.06 लीटर पर डीजल देता है। वही यूएई को पेट्रोल 33.84 लीटर पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वही हांगकांग को 38.26 लीटर, मलेशिया को 36.08 लीटर और सिंगापुर को 38.31 लीटर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले सरकार पेट्रोल डीजल पर कुछ सोचती है या नहीं। जयदीप मिस्त्री, वडोदरा न्यूज़ नेटवर्क, वडोदरा।